हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो ओलिवबोर्ड में लाइव टेस्ट हुआ था उसके जो क्वांट क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। आप सभी को लोगों को पता है कि जो सीजीएल मेंस की डेट आ गई है, और काफी मतलब कम दिन है, 22-23 दिन सिर्फ बचे हुए हैं। तो इन 22-23 दिन में हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें और नए चीज़ों को, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि नए चीज़ और रिवीजन दोनों एक साथ हो पाए, इसलिए रिवीजन पर फोकस रहना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करना है अगर रीजनिंग और मैथ्स में, तो आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसी से करते रहें, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। चलिए इसको देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट है ए ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फोर्थ फ्लोर एंड दैट ऑफ सेवेंथ फ्लोर। अच्छा, दो है, ये फोर्थ फ्लोर मान लेते हैं, ये सेवेंथ फ्लोर मान लेते हैं, तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो एक क्या है, 30 डिग्री बना रहा है, और एक कितना बना रहा है, 45। इफ पॉइंट ए, ये डिस्टेंस दे रखी है 8√3। पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ सेवेंथ फ्लोर फ्रॉम, मतलब ये पूछ रहा है। तो 30 डिग्री के सामने 1 हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √3। 45 के सामने कितना हो जाएगा, 45 सामने √3, तो ये वाला 45 भी कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हमें √3 - 1 बताना है, √3 की वैल्यू दे रखी है 8√3, तो ये 8 आ जाएगा, और किसका बताना है, √3 - 1 का, डायरेक्ट आ जाएगा √3 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बेस्ट है, क्योंकि लार्जेस्ट डिजिट पूछ रहा है, तो हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 85 को हम लेंगे। चेक कैसे किया कि इनमें से क्या किया, हमने फोर फोर पहले माइनस किया, क्योंकि हम ये वाला 8 ले रहे हैं और ये इसका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हटा देंगे, तो 8 से कटना चाहिए, तो ये तो नहीं कटेगा, ये आपका ऑड डिजिट आ रही है। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, 67 पे, इस पर भी वही हो रहा है, ऑड आ रहा है, फिर ये दोनों बचता है, तो 60 पर जाएंगे, 4 माइनस किया तो 56 आ जाएगा। 956 हम जब चेक किए तो 8 से वो नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, √3 tan है, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाए, एक ही जगह 60 डिग्री पुट करने पर ये आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग पे ध्यान रखना, ताकि जो हमारा कम से कम मिनिमम टाइम लगे। भीमा इन्वेस्टेड मनी, ये इनकी मनी है और ये टाइम पीरियड है, तो ये तो आसान है, इसका इनटू दिस कर देंगे, तो प्रॉफिट का कर ही देते हैं। 30 अगर मान लें तो ये हो जाएगा 6, 15, और ये 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, 2, 3, तो क्या आ जाएगा, 3 से अगर कैंसिल कर दें, ये 5, ये 2, तो ये 4 10:5 आ जाएगा।
आर इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, आर है। अकॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड है ए बी इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट सी, इस सी पॉइंट पे एक्सटेंड किया है। इफ सी ई इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट डी, अच्छा तो एक हम टेंजेंट अगर यहाँ से इस पॉइंट से अगर टेंजेंट हम बनाते हैं तो सी पे मिला है हमने, सी क्या टेंजेंट है एट पॉइंट डी, सच दैट डी सी बी ये एंगल दे रखा है बीस एंड बी डी सी क्या है 50 डिग्री। ए डी सी इज एन ऑब्ट्यूज, तो ये तो एंगल ऑब्ट्यूज दिख भी रहा है। देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन आर ए बी, मतलब ये एंगल और आर बी डी ये एंगल और ये एंगल, इसका डिफरेंस बताना है। तो ये 50 70, तो ये क्या है 110 हो जाएगा, ये 110 है तो ये पूरी कितने हो जाएगी 70। अगर हम इसको मिलाएं तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल अगर 50 है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। भाई यही कॉर्ड इस सर्कल पर भी तो एंगल बना रही है, सर्कल पर सर्कमफ्रेंस पे, तो जो एंगल ये होगा टेंजेंट और कॉर्ड का वही ये होगा, ये 50 आ गया ये 70 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 60। जब ये 60 है तो ये सेंटर पे एंगल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 120। जब ये 120 है तो ये आर ए बी और आर बी बी ए बराबर होगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये 30 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, 70 में 30 जाएगा 40, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 40 डिफरेंस 30 10 डिग्री। ये पहला ही ऑप्शन चेक करने पर हो जाएगा, वैसे अगर लास्ट रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, रेशियो है। ये वाला क्वेश्चन भाई मेरे हिसाब से कैलकुलेटिव था, इस वजह से मैंने इसको उस टाइम भी नहीं किया और मैं अभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल वैल्यू पूरा सबका सम पूछ रहा है, इस वजह से मैं इसको स्किप अभी भी कर रहा हूँ। आसान है तो कुछ नहीं, लेकिन टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ 100 kg ऑफ दार्जिलिंग टी एंड असम टी कंटेन 30% असम टी और 30% क्या है असम टी है, और दार्जिलिंग टी कितना है 7, अगर रेशियो हम देखें तो 3:7। हाउ मच असम टी मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक असम टी 44% ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर, इसको 44 करना है तो ये क्या हो जाएगा 56। अगर रेशियो में हम देखें तो ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, तो इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। असम वाली हाउ मच असम टी मस्ट, अच्छा नहीं इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम बराबर बना सकें दार्जिलिंग टी को, तो ये 6 हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 10 की वैल्यू 100 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, कितना अब बढ़ कितना आ रहा है 3 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ कितना रहा है, अरे ये नहीं है एक सेकेंड, 6 से 11 प्लस 5 हो रहा है, एक की वैल्यू 20 की वैल्यू 100 है, 20 की वैल्यू 100 दे रखी है, हमें 5 की वैल्यू बतानी, तो 1/4 कर देंगे तो 25 हो जाएगा।
28 men can finish a work in this much day. Efficiency of a woman, और men की efficiency दे रखी है। इस क्वेश्चन में कुछ कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन। एन इनलेट पाइप ए ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रिजर्वॉयर कैन फिल अ टैंक, ये 40 मिनट में इनलेट वाला भर रहा है, और आउटलेट पाइप क्या कर रही है, 60 मिनट में फुल टैंक को खाली कर रही है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन इन ऑल्टरनेट मिनट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ऑन विच मिनट फ्रॉम द बिगिनिंग द टैंक विल बी फिल कंप्लीटली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 120 एलसीएम ले लें, तो ये प्लस में कितना काम कर रही है, 3, और इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप कितना काम कर रही है, माइनस का 2। अगर इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम देखें तो 2 मिनट में एक काम हो रहा है, ठीक है, 2 मिनट में एक काम हो रहा है। तो एक 200 डायरेक्ट, अगर हम 234, 117 काम कितने मिनट में होगा, 234 मिनट में। अब ये अब कौन आएगा, शुरुआत कहाँ से हुई थी, ए से हुई थी, इसलिए ये जो 3 काम पहले ये करेगा, तो इसलिए जैसे ही ये 3 काम किया, 120 हो गया टोटल, ये भर गया पूरा पूरा भर गया। तो पहली बार कब ये फिल हो रहा है, 1 मिनट खाली लगा यहाँ पर, 235 मिनट। नेक्स्ट, ये तो यूनिट डिजिट से आसान हो जाएगा, 6 की पावर कुछ भी रहेगी तो 6 ही आएगा, प्लस 1 की पावर 1 कुछ भी तो ये 7 है, तो ये ऑड नंबर आ रहा है, पहला तो सही है। दूसरा, इसमें भी 5 की पावर 5 है तो 5 तो रहेगा ही, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 6, तो 15 में से 6 जाएगा 9, तो ये ऑड आ रहा है, यहाँ इवन लिखा है, इसका मतलब पहला खाली सही है। व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन, तो 63 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 की पावर है, तो 2 की पावर मतलब अगर इसको हम 64 बना लें 2 की पावर 6 के टर्म्स में, तो 2 की पावर 6 की होल क्या हो जाएगा, सबसे करीब अगर हम ले जाएं तो 20, 20 × 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। बच रहा कितना, 2 की पावर 6 एक ये हो जाएगा और 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 6 तो इससे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 की पावर 7 कुछ भी करें 1 आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 की पावर 5 बच रहा है खाली, तो 2 की पावर 5 32 होता है, रिमाइंडर क्या हो गया, 32 हो गया। आंद्रे जॉनसन इन्वेस्ट 12% ऑफ हिज मंथली सैलरी दैट इज 208 इन म्यूचुअल फंड्स, हिज अदर इन्वेस्टमेंट आर दिस, इन 16% ऑफ हिज सैलरी इन पीपीएफ एंड अनदर 5% ऑफ हिज सैलरी मंथली सैलरी इन इंश्योरेंस, व्हाट इज हिज टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो मतलब 2088 किसकी वैल्यू है, 12 की वैल्यू है, तो इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी। अभी सैलरी आ गई तो इस अपनी सैलरी का 21%, 16% ये और 5% वो, 21% और इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इन्वेस्ट कर मतलब एक तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से अगर हमको 4 टाइम्स, ये 7, 4 5 20, 4 2 8, 4 2 8 तो कितना आ जाएगा, 7 2 14, 1 1 7
3654, और ये जो 2088 और है इसको जोड़ दें इसमें, तो टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। 42 यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैंने छोड़ दिया था। इसका एवरेज, इन सबका एवरेज निकाल के इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका एवरेज निकाल के मल्टीप्लाई करके तो टोटल का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। एक कार कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 65 किलोमीटर, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस विद दिस इफ कार टेक्स 22.12। अच्छा तो हम अगर 6x मान लें, 6x टोटल, 6x भी नहीं, 3x ही ले लेते हैं। 3x अगर टोटल डिस्टेंस है तो 1/3 मतलब x हो गया। x कितने से चल रहा है, 65 से चल रहा है, प्लस अब बचा कितना, 2x। 2x कितने से चल रहा है, 39 से। टाइम टोटल कितना रहेगा, 22.1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 × 3 × 5, ये हो गया एलसीएम। तो 13 × 5 = 65, 3, तो ये 3x प्लस 10x इक्वल टू 221/10। 5 × 2 = 10, ये 13x हो जाएगा, 13x/, तो ये 13 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x/3 इज इक्वल टू 221/2, इंटू 3 कर देंगे तो ये x आ जाएगा। और क्या क्या पूछा है, देन हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार विद 65 किलोमीटर, तो x ही पूछा है, तो 3 3 × 2 = 6, 6/2, तो ये आंसर। एवरेज ऑफ सेट ऑफ 9 नंबर्स इज 13, आउट ऑफ विच एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज दिस, एवरेज ऑफ अनदर सेट ऑफ नंबर इज दिस, फाइंड द रिमेनिंग 5 नंबर का एवरेज। तो एवरेज ऑफ सेट ऑफ 9 नंबर का इज 13, 13 है 9 का, आउट ऑफ विच एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 15, मतलब डिविजन कितना हो जाएगा, प्लस 2 का है, कितने में, 6 नंबर्स में, इतना ज्यादा हो रहा है, टोटल डिविजन कितना हो गया, 12। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, एवरेज ऑफ अनदर सेट ऑफ नंबर 11 नंबर इज 21, आउट ऑफ विच एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज 22, यहां पर भी कितना ज्यादा, एक ज्यादा हो रहा है 9 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया, 9 यहाँ सरप्लस में है, तो इसका मतलब बाकी जो नंबर बचेंगे उसमें से इतना कम होना चाहिए। देन फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5 नंबर्स टेकन फ्रॉम बोथ द सेट्स टुगेदर, तो यहाँ पर 6 चले गए, 3 बचे, तो 39 में से 12 कम होना चाहिए इस केस में, क्योंकि यहाँ 12 ज्यादा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 21 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2, तो 2 × 21 इसमें से माइनस कितना करना है, ये 42 में से 9 जाएगा 33, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 27। अब इसका एवरेज पूछ रहा है, तो ये 60 हो जाएगा, 60/2 नहीं, 65 नंबर है ना, 60/5 = 12 आ जाएगा। कंसीडर द गिवन फिगर दिस, ZW, W क्या है, सेंटर है, ZWS, ZWS
मतलब ये एंगल 104 दे रखा है, ZXP ये दे रखा है 94, then find XYS, XYS पूछ रहा है, मतलब ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ये 94 ये अगर 94 है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी 94 हो जाएगा, जेड एक्स एक्स ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 94 है तो ये 86 हो जाएगा, ये वाला एक्स एस वाई। ये अगर 104 है तो इसका जस्ट आधा यहां पर बनेगा 52, तो कितना हो गया 6 और 146 टोटल हो रहा, और 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34। ये 34 है, ये 86 है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 120। अगर ये दोनों 120 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सीआई ऑफ 32,000 इन 9 मंथ इज 5,044, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दे रखा है। तो पूछा क्या, कैलकुलेट क्वार्टरली फंड रेट निकालना है, तो 32,000 और 32 में 5,37,044, ठीक है। फोर्स अगर हम काटें तो हो जाएगा 8, 4 9 36, 4 2 8, 4 6 24, ये तो ये सीधे सीधे दिख रहा है। क्यूब किसका है, ये 20 का क्यूब है, और ये 9 2 6 1 किसका क्यूब है, 21 का। तो रेट क्या आ गया, 1/20, मतलब 5%। लेकिन ये 5% क्या है, क्वार्टरली है, तो ईयरली क्या हो जाएगा इनटू 4, दैट इज 20%। इफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूब इज व्हाट डज एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट, ये तो हो जाएगा हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। अ क्वाड्रिलेटर अदर देन स्क्वायर हुज डायग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये तो रोम्बस ही है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस फ्रॉम अ पॉइंट एस, अ लाइन इज ड्रॉन विच कट्स पी आर, विच कट्स पी आर एट यू एंड पी क्यू एट टी, इफ टी यू आर 120 है और पी क्यू आर 60 है, देन फाइंड द मेजर ऑफ क्यू पी आर और यू एस आर, और भी ये पूछ रहा है। तो उस समय जब मैं ये अटेम्प्ट कर रहा था तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में मैंने इसको इस पर ध्यान दिया कि ये जो 120 और 60 से मुझे ये समझ में आया कि अगर हम
यहां पर एक सर्कल बना दें इन चारों पॉइंट्स को लेते हुए, मतलब क्यू आर यू टी, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाए, क्योंकि इनका सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो जब ऐसा केस होता है तो हम एक रिलेशन याद रखते हैं कि ये जो एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर कितना होगा, 90 माइनस ये जो एंगल बन रहा है क्यू पी आर और टी एस क्यू, 90 माइनस जिसको हमने ए और बी से लिखा है, ए प्लस बी बाय टू। अब यहां पर पी क्यू आर दे रखा है, ए प्लस बी निकालना है, पी क्यू आर कितना है 60 है, इज इक्वल टू 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर 60, 30 हो जाएगा, 30 इंटू टू 60, 60 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। मोहन मैन्युफैक्चर्स 140 पीसेस ऑफ वॉचेस विच कॉस्ट ₹9 पर पीस। ही देन ट्रांसपोर्ट इट टू हिज शोरूम विच कॉस्ट हिम ₹140, 140। तो एक का कॉस्ट क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन का, एक। द वैट विच विल बी अप्लाइड टू द कस्टमर 6% प्रेजेंटली। अच्छा, ₹9 प्लस ₹1 ट्रांसपोर्टेशन का कितना हो गया, ₹10 हो गया। अब इस ₹10 पर 6% वैट लगेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 106/100। क्या पूछा, फाइंड द यूनिट प्राइस ऑफ वॉच। अच्छा, इसको प्रॉफिट अगर चाहिए तो 6/5 पर बेचना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट होगा इसको। और कुछ कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 और 6/5 × 10। 5 से अगर हम इसको काटें तो 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, अभी तो 3 बचेगा ना, 5 7 35, 5 2 10 पॉइंट आ जाएगा, और इस एक 10 की वजह से एक और पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 12.72। पोल्स आर अलाइन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पोल इज सेम। अ मैन जॉगिंग ऑन फुटपाथ टेक्स 12 सेकेंड्स टू गो फ्रॉम 56 से 80th पोल तक, फाइंड द टोटल टाइम ही टेक्स टू कवर फर्स्ट 30 एंड लास्ट 30। तो इस केस में क्या होगा कि 80 से अगर माइनस करेंगे तो 25, मतलब 25 अगर पोल है तो गैप कितने होंगे, एक कम होगा। पोल अगर 25 है तो गैप कितने होंगे, 24 होंगे। तो 24 गैप को कवर करने के लिए 12 सेकंड लग रहा है, तो एक गैप को कवर करने के लिए कितना लग रहा है, बारह सेकंड 24 गैप को, तो ये आधा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कितने गैप फिल करने हैं, 30 है, 30 है, तो एक कम मतलब पोल्स है, तो ये 29 ये हो जाएगा और 29 ये हो जाएगा जो गैप्स हैं, टोटल कितना हो गया 58, हमें 58 गैप्स को फिल करना है, तो कितना हो जाएगा 29 29 सेकेंड्स गैप हमें यहाँ देखना है। ये क्वेश्चन अभी भी मुझे क्लियर नहीं है, मतलब
तो सॉल्व नहीं हुआ है ठीक से। आप लोग को अगर कुछ इसमें इजी तरीका, वैसे कॉम्प्लेक्स वे में तो सॉल्व होगा ही, लेंथी जाएगा, अगर कुछ इजी वे में कुछ समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट में इसका सोल्यूशन बताएं। नेक्स्ट, इस सिंप्लीफाई करना है, ये तो आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन आसान इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्या करें आप, सी को जीरो कर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, सी को जीरो रखने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। अब सी जीरो कर रखे हैं तो 2 स्क्वायर 4 हो गया अपॉन 16 की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी बराबर है, ये 1 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, यहाँ तो बस फॉर्मूला वो लिखना है, अगर को फॉर्मूला याद है, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर इंटू एच, इसको लगाइए आंसर आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द साइड्स, इसको मैंने मतलब देख के छोड़ दिया था, जबकि मतलब बहुत टफ नहीं है। तीन साइड दे रखी है, 13, 20 और x। x की बताना है कि x क्या है, इंटीजर है, तो ऐसे कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं कि ट्राइंगल फॉर्म हो सके। तो x क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन इन बाकी दोनों के डिफरेंस से बड़ा हो, 7 से बड़ा हो, और इनके सम से छोटा हो, 33 से छोटा हो। तो पहली वैल्यू इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीजर, 32। ठीक है, तो ये सब ट्राइंगल्स के साइड्स हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 32 तक। तो इनमें 13 और 20 तो कॉमन ही रहेगा सब में, तो 13, 20 कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 33 और 13, 33 नहीं, 13 और 20 का सम क्या आ जाएगा, 33। अब हम यहाँ ये देख लेंगे कि कितने नंबर्स हैं टोटल यहाँ पर, तो क्या तरीका होता है, 32 माइनस 8 कितना हो गया, 24 प्लस 1, मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं, 25 नंबर। इसका मतलब ये जो 33 है 25 बार तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि 25 यहाँ पे सारी साइड्स हैं, तो 33 इंटू 25 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, 75 हो गया, ये 7 बचा, 75 और 7 82, 825 तो यही हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इसका सम निकालना है बस, 8 से लेके 32 तक का। तो एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो पहले 1 से 32 निकालेंगे, तो 32 इंटू 33 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 16 त्रिका 48, 8 4 16 48, 5 518 आ गया। और हमें माइनस क्या करना है, 1 से 7 अब माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो जोड़ भी सकते हैं, 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19, अरे क्या गलत कर दिया, 7 इंटू 8 बाय 2, 28 माइनस करना होगा इसमें से, तो यहां से 28 अगर हम माइनस करेंगे तो 18 तो 500, 10 और 400 कितना हो गया, 90, 490। अब 490 825 में अगर हम जोड़ दें कितना हो जाएगा, 5 1 1 8 4 13,
एक कहीं कहीं मिस किया है। सही किया कि नहीं? फाइव 825 तो सही है, 25 75, 5 7 82, 825 तो सही है। ये सही किया है कि नहीं? 32 × 33/2, 16 3 48, 4, अरे ये 4 होगा ना, ये 528 होगा, ये 528 तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो यहां पर हमको ऐड क्या करना पड़ेगा? ऐड हमें करना है 500, सम क्या आ जाएगा? 8 5 13 25, सी ऑप्शन। ठीक क्वेश्चन था वैसे। जिसको फॉर्मूला इसका पता होगा वो कर जाएगा। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो जैसे जैसे डिक्रीज करते जाएंगे तो एक समय आएगा एन माइनस आर तक जाएंगे, एन माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा? एन माइनस आर प्लस वन। और यहां से जब शुरुआत होता है एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट 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 डॉट, ऐसे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उस समय मैं मिस्टेक ये कर रहा था कि यहाँ नंबर्स को 15 मान के कर रहा था जबकि 30 आएगा। जैसे साइन ए है, 3 साइन ए है, 3 साइन ए, फिर 5 साइन, ऐसे जाएगा। तो अगर हम साइन ए को कॉमन ले लें, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा? लास्ट नंबर जो 15 पे आएगा वो प्लस 2 cos² भी अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे इसका सम निकाल लेंगे, इसका समेशन कर देंगे और बी की वैल्यू जो है 45 पुट कर देंगे, लास्ट में आंसर आंसर आ जाएगा। तो ये थे भाई जोली बोर्ड के लाइव टेस्ट के क्वेश्चंस थे। मेंस की डेट आ गई है, सब लोग रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, और साथ में टाइपिंग की प्रैक्टिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करते रहें, और कंप्यूटर सेक्शन जिनका वीक है उसको भी करते रहें। नहीं तो क्या फायदा कि सभी में मार्क्स आ जाएं और इन तो सेक्शन में ही गड़बड़ हो जाए, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उस पर भी ध्यान दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।